नहीं देता क्या? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क। हम इसमें आगे बात करेंगे आज आपको नेटवर्क हार्डवेयर के बारे में। नेटवर्क हार्डवेयर मतलब हमें अपने कंप्यूटर में नेटवर्क को स्टेब्लिश करने के लिए हमें किस किस तरीके की डिवाइसेस या हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे सामने ये सारे जो हार्डवेयर पार्ट हैं, इन डिवाइसेस का यूज करके हम एक नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले टॉप पर आपका है नेटवर्क केबल। नेटवर्क केबल मींस दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए एक मीडियम की जरूरत होगी, और ये मीडियम हमारा क्या कहलाएगा? कंप्यूटर केबल। तो इस केबल के माध्यम से हम एक हमारा क्या है, दो डिवाइस के बीच में एक मीडियम की तरह काम करते हैं। यही हमारा क्या कहलाएगा? केबल। इसके बाद आपका क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपने अक्सर सुना होगा एनआईसी के बारे में। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये जो कार्ड होता है इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है हमें अपने कंप्यूटर केबल को, नेटवर्क के केबल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एनआईसी या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिवाइस हम लोग यूज करेंगे वो होता है मॉडेम। मॉडेम ये डिवाइस होती है, इसका जो मेन जो मुख्य काम होता है एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। मींस एनालॉग सिग्नल्स जो आ रहे हैं उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, और डिजिटल सिग्नल्स को वापस एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? मॉडेम। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इसके बाद आपकी नेक्स्ट डिवाइस जो है हब। हब क्या होती है? हब ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है दैट जॉइंट्स मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर। याद रखिएगा, जब हमें एक डिवाइस से एक से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करना होगा तो ये हमारी जो डिवाइसेस होंगी, ये जो एक कॉमन डिवाइस होगी इसी को हम लोग क्या कहेंगे? हब। तो हब का क्या काम होता है? टू जॉइन मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर। स्विच। स्विच क्या होता है? स्विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेटवर्क बिकॉज दैट कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ नेटवर्क। ये आपके नेटवर्क का ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, मींस ट्रैफिक रूल को फॉलो कराता है डाटा के ट्रांसमिशन के दौरान। इसके बाद आपका आता है राउटर। राउटर इज जस्ट लाइक अ स्विचेस। ये भी आपको क्या होता है? स्विच किस तरह होता है? इसका काम भी ट्रैफिक रूल को फॉलो कराना होता है। बस यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा राउटर होता है ये सिमिलर नेटवर्क में वर्क करते हैं। मींस दो सेम टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम हमारा क्या करता है? राउटर। सेम टाइप के नेटवर्क को लेकर के मींस दो स्टार नेटवर्क, दो रिंग नेटवर्क, दो ट्री नेटवर्क, दो बस नेटवर्क, इस तरीके के सेम नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? राउटर करता है। अब सेम नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम राउटर करता है तो डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? हम बात करेंगे अगला गेटवे। याद रखिएगा, गेटवे वो डिवाइस होती है जो डिफरेंट या डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये हमारी बातें रही आज नेटवर्क हार्डवेयर को लेकर के, और ये हमारा इसके साथ तो नेटवर्क हार्डवेयर का चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर आपका जो है कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीट हुआ, और इसके अलावा आपको अगर किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, और उसके बाद मैं उसका जो भी सोल्यूशन होगा शेयर करूँगा। थैंक यू।